और दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी फ़ोन में प्ले स्टोर में कैन नॉट डाउनलोड ऐप्स या तो एरर 403 ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप आपकी फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाओ। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स के अंदर जाना है। ऐप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स के अंदर जाओ और यहाँ पर सर्च बार पर लिख लो प्ले। प्ले लिख लेने के बाद यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा। गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाओ, उसके बाद स्टोरेज के अंदर जाओ और इसके बाद क्लियर डाटा पे टैप करके क्लियर ऑल डाटा कर लो। उसके बाद बैक आ जाओ और उसके बाद अनइंस्टॉल अपडेट इसके ऊपर टैप करके ओके आपको कर देना है। कर देने के बाद फिर से बैक आ जाओ और यहाँ पर प्ले के बाद प्ले सर्विस लिख लो। देखो गूगल प्ले सर्विस आ गया। गूगल प्ले सर्विस के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको स्टोरेज दिख रहा है। फिर से स्टोरेज के अंदर जाओ और उसके बाद क्लियर डाटा के ऊपर टैप करो। अब मैनेज स्पेस के अंदर जाना है। जाने के बाद आपको क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। यहाँ पे ओके ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर लेना है और उसके बाद आप होम पे आ जाओ। आ जाने के बाद आप आपकी फ़ोन में आपकी फ़ोन को रिस्टार्ट या तो रिबूट कर लो। आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा।